पुलवामा घटनेत सीआरपीएफने हेलिकॉप्टरची केंद्र सरकारकडे मागणी केली, परंतु गृह मंत्रालयाने हेलिकॉप्टर देण्यास नकार दिला। यामुळे जवानांना बाय रोड निघावे लागले, त्यात 40 जवानांचा नाहक बळी गेला। भाजपचे ज्येष्ठ नेते तथा जम्मू काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मल्लिक यांनी यासंदर्भात गंभीर आरोप केले आहेत। एकंदरीत केंद्र सरकारची नीती बघता पुलवामात शहीद झालेल्या जवानांच्या मृत्यूस मोदी सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप खासदार बाळू धानोरकर यांनी केला। महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने राज्यभर जवाब दो मोदी जवाब दो आंदोलन घेण्याचे निर्देश दिले होते। त्यानुसार चंद्रपूर शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष रितेश तिवारी यांच्या नेतृत्वात सोमवारी कस्तुरबा चौकात जवाब दो आंदोलन करण्यात आले। यावेळी मार्गदर्शन करताना खासदार धानोरकर बोलत होते। या आंदोलनात काँग्रेसच्या सर्व फ्रंटल ऑर्गनायझेशनचे पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते। हम चाहते हैं कि मोदी जी चुप्पी छोड़ो, ये 300 किलो आरडीएक्स आपके जम्मू कश्मीर में वहां पे पुलवामा में ये नागपुर से कैसा गया, इसके बारे में सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए थी। वो इंक्वायरी लगाई गई, उसका रिपोर्ट का उसका अहवाल भी हमको होना, उसका अहवाल भी अभी तक आया नहीं, ये पूछने के लिए आज आंदोलन किया। हम चाहते हैं कि मोदी जी जवाब दो।